સુરતની એક ઘટના સુરત લિંબાયત વિસ્તારમાં ગઈકાલે ગુમ થયેલી 3 વર્ષની બાળકીની લાશ મળી આવી છે. પોતાના ઘરમાંથી જ બાળકીની લાશ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બાળકી સાથે દુષ્કર્મ બાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે. ગઈકાલે ગુમ થયેલી 3 વર્ષની બાળકીને શોધવા પોલીસની 21 ટીમ કામે લાગી હતી. તપાસમાં બાળકીના ઘરમાંથી જ તેની લાશ મળી આવી છે. લિંબાયત પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી છે. બાળકીના માતા પિતા મહારાષ્ટ્રના વતની છે. ઇન્ડી ગઈ ઓર પીએમ રિપોર્ટ આને કે બાદ કોઝ ઓફ ફાઇનલ જો ઉસમે કોઈ છે હે કે નહીં વો મેડિકલ ઓ આને રિપોર્ટ આને કે બાદ હી પતા ચલેગા. અભી હત્યા કી કલમ ઓર એટ્રોસિટી કી કલમ એડ કી ગઈ હે ઓર યે જો તપાસ હે वो ACP लेवल के अधिकारी को दी गई है और उसका सुपरविजन DCP श्री हेडक्वार्टर करेंगे. प्राइमरी सस्पेक्ट है, उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें है कि क्या. सर, पूरा मामला कैसे सामने आया था और अब तक की जांच में पुलिस को क्या लीड मिली है? गुनाह दाखिल होने के बाद मतलब जो CCTV कैमरा है वो देखने के बाद ऐसा प्राइमरी लगा कि अभी लड़की बाहर नहीं निकल रही है और जाने का एक ही गेट है. तो उसके मुताबिक ऐसा लगा कि घर में मतलब कोई जो अंदर सोसाइटी वाला जो मकान है उसमें ही शायद होगी. उसके मुताबिक फिर चेकिंग गई है और अभी जो प्राइमरी सस्पेक्ट दिख रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है कि उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है कि क्या. वो पता कन्फर्म होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं. सर, जिस मकान से बॉडी मिली है वो मकान किसका है और ये जो लड़की वहाँ से कितने अंतर के ऊपर वो रहती थी? मकान किसका है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँ क्योंकि वो अभी उसका भी इंट्रोगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. लेकिन ये जो लड़की है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और डेड बॉडी मिली है वो नीचे वाला जो मकान है उसके एक कमरे में से मिली है. तो क्या उसके साथ कोई फिजिकली? वो PM रिपोर्ट आने के बाद ही कन्फर्म कर पाएंगे हम. सर, कैसे पता चला कि बच्ची बंद रूम के अंदर बंद है? वो मैंने बताया कि CCTV कैमरा चेक किया कि लड़की बाहर नहीं जा रही है. तो फिर हमने सब जो सोसाइटी के सभी घर है उसको चेक करने के लिए और जो सबको बुला लिया और ये घर लॉक था तो फिर लॉक घर था तो वो खोल के फिर चेक किया रूटीन. मकान मालिक ने कहा था कि ये रूम चेक कीजिए इसलिए 24 घंटे से रूम बंद है. नहीं, अभी ऐसा तो अभी हमारे ध्यान में नहीं है. इंट्रोगेशन चालू है, वो बाद में ही पता चल पाएगा कैसा कहा है. घर को लॉक किया गया था तो इसका मतलब तो इसकी चाबी किसी न किसी के पास होगी तभी ये पूरी वारदात. हाँ, हो सकता है, इसलिए वो जो प्राइमरी सस्पेक्ट है उसके ऊपर अभी चल रहा है उसका है कि नहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें. सर, ये जो सस्पेक्ट है वो कहाँ से है? वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, वो कन्फर्म होने के बाद ही मैं बता पाऊँगा क्योंकि वो वहाँ रहने वाला नहीं है अभी. मतलब 10-15 दिन से ही उसकी